Yes, today we teach this classic subject math, exercise 3.2. 3.2 में पहला क्वेश्चन है, what is the sum of any two odd numbers? माने कह रहा है कि any two odd numbers जोड़ने पर, दो odd number जोड़ने पर कैसी संख्या आती है। तो पहला क्वेश्चन है, odd number क्या क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, समझे? मैंने ये नंबर ऑड नंबर कहलाते हैं और इन संख्याओं को एनी टू, कोई भी दो संख्या, दो विषम संख्याएं जोड़ने पर, ऑड नंबर में विषम संख्याएं जोड़ने पर कैसी संख्या हमें प्राप्त होती है? इस एनी टू, 1 + 3 कितना हुआ? 4। 3 + 5 कितना हो जाएगा? 8। माने कोई भी ऑड नंबर प्लस करने पर हमें इवन नंबर प्राप्त होता है। उसी तरह से इवन नंबर कहता है, एक इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर माना सब संख्या है, 32, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसी संख्याएं क्या कह जाती हैं? इवन नंबर माने सम संख्या। कह रहा है एनी टू, इसी तरह से इन दो संख्याओं को जोड़ने पर कैसी संख्या प्राप्त होती है? इसका मतलब 2 + 4 जोड़ेंगे, 2 + 4 इक्वल क्या हो जाएगा? 6। 4 + 6 = 10। इसी तरह से सम इवन नंबर जोड़ने पर हमें सम संख्या वाली इवन नंबर ही प्राप्त होता है, और कोई टू ऑड नंबर प्लस करने पर भी हमें इवन नंबर प्राप्त होता है। इसी तरह से क्वेश्चन 2 ट्रू और फॉल्स का है, द सम ऑफ ऑड नंबर इज इवन। वही क्वेश्चन पूछ रहा है, सम ऑफ ऑड नंबर इज इवन, 3 कह रहा है। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन, माने 3 विषम संख्याएं जोड़ने पर हमें कैसी संख्या प्राप्त होती है? तो सम ऑफ 3 ऑड नंबर, 2 ऑड नंबर आपका जोड़ेंगे तो आपको संख्या कैसी मिलती है? इवन नंबर मिलती है। लेकिन 3 ऑड नंबर प्लस करेंगे, 1, 3, 5 कितनी संख्या हो जाएगी? 9। और 9 आपकी संख्या कैसी है? विषम संख्या है, ऑड नंबर है। इसी तरह से क्वेश्चन कह रहा है, सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन, इसका मतलब क्या है? रॉन्ग है, इवन नहीं प्राप्त होती है, हमें संख्या 8 प्राप्त हो रही है। इस तरह से पहला क्वेश्चन आपका रॉन्ग होगा, द सम ऑफ 2। इस तरह से पहला 2 का ए क्या है? फॉल्स है। बी क्या है? द सम ऑफ 2 ऑड नंबर, क्या कह रहा है? 2 ऑड नंबर प्लस करने पर दो तो कैसी संख्या है? विषम संख्या है। 1 + 3 = 2 कैसी होगी? ऑड नंबर हो गई। और कह रहा है एंड 1 इवन नंबर, इसमें से कोई इवन नंबर प्लस किया जाता है, इवन नंबर क्या हो गया? 2। अब आपको संख्या कैसी प्राप्त होगी? ये इवन ही प्राप्त होगी, क्योंकि 3 + 1 = 4 होता है, 4 × 2 = 6। इसका मतलब क्या कह रहा है? दसम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज इवन, इसका मतलब राइट है। ये 6 आपका कैसे है? इवन नंबर है, इसका मतलब ये संख्या ट्रू है, सही है। क्वेश्चन 3 है, सी द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। प्रोडक्ट मीन्स गुणनफल, माने 3 ऑड नंबर को प्लस प्रोडक्ट करने पर 3 ऑड नंबर कैसे? 1, 3 × 5 दूसरी संख्या लीजिए, 3 × 5 × 7 ये कैसे संख्या है? ऑड नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करने पर हमें कैसी संख्या प्राप्त होती है? 5 × 3 = 15 ऑड नंबर मिली, 5 × 3 = 15 और 15 × 7 = 105 ये कैसी संख्या है? ऑड नंबर, ऑड नंबर में इवन नंबर हम किससे देखते हैं? वंस के डिजिट से ही याद की जाती है कि ये संख्या ऑड है कि इवन है। इस तरह से ये ऑड नंबर प्राप्त हो रही है, तो द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड, राइट, ट्रू है। 3 संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर, प्रोडक्ट करने पर हमें ऑड संख्या प्राप्त होती है। डी है, इफ एंड इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, कह रहा है किसी भी संख्या को इवन नंबर को 2 से डिवाइड करें
एंड क्वाड्रेंट इज ऑलवेज आठ, तो क्या क्वाड्रेंट माने सदैव आठ ही मिलेगा? किसी भी संख्या को जैसे 12 है, इसकी संख्या क्या है? इवन नंबर है एंड इवन नंबर डिवाइडेड बाय 2, इवन नंबर को 2 से डिवाइड करें तो क्वाड्रेंट माने आंसर आपका भागफल सदैव आठ ही प्राप्त होता, इवन ही प्राप्त होता है। 2 6 या कितना होता है? 12। क्वाड्रेंट आपका कितना आया? 6, लेकिन 14 होगा, 14 भी तो आपका इवन नंबर है, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 7 या 14, 7 प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है? कभी से इवन आएगा, एक बार आठ भी आएगा, तो इवन आठ दोनों आ सकते हैं। किसी भी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका इवन भी आ सकता है, आठ भी आ सकता है। इसका मतलब क्या है? इफ एंड इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, यानी किसी भी एक इवन नंबर को संख्या को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्वाड्रेंट इज ऑलवेज है। ऑलवेज कह रहा है, ऑलवेज मतलब सदैव, सदैव नहीं होता है। 6 भी आ सकता है, मानी इवन भी आ सकता है, आठ भी आ सकता है। इसका मतलब क्या है? ये फॉल्स है। ई है आपका ऑल प्राइम नंबर इज आर ऑड, माने प्राइम नंबर माने विषम संख्या, प्राइम नंबर आप ऐसी संख्या होती है जो विभाज नहीं होती है, अविभाज संख्या होती है जो किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होती है, वही प्राइम नंबर होती है। तो क्या कहना है कि ऑल प्राइम नंबर और प्राइम नंबर कहां से शुरू होता है? पहला प्राइम नंबर होता है 2, तीसरा होता है 3 5 7 7 के बाद 11 13, ये संख्या क्या है? प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर में कह रहा है कि क्या ऑल प्राइम नंबर और 8 सभी अविभाज्य संख्याएं कैसी होती हैं? प्राइम नंबर होती है। तो ये 2 आपका क्या है? ये इवन नंबर है। 2 आपका क्या है? इवन नंबर है, ऑड नहीं होती है। उसमें 2 ऐसी संख्या है जो इवन है। इस तरह से हम ये नहीं कर सकते कि ऑल प्राइम नंबर और ऑड सभी प्राइम संख्याएं ऑड होती हैं, ये भी रॉन्ग है। यह में है प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्ट है। प्राइम नंबर मतलब वह संख्या है जो किसी संख्या से डिवाइड नहीं होती है, केवल 1 से और 7 से ही डिवाइड होती है। केवल ऑल प्राइम नंबर और आर ये तो कह प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्ट है। माने क्या कह रहा है कि इन प्राइम नंबरों का कोई भी फैक्टर नहीं होता। राम जैसे 2 है, 2 का फैक्टर क्या क्या होता है? 1 और 2। 3 का फैक्टर क्या होगा? 1 और 3। 5 का फैक्टर क्या होगा? 1 और 5। तो प्राइम नंबर से क्या डिवाइड होता है कि प्राइम नंबर के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, पहला 1 और दूसरी वही संख्या। इसी तरह से प्राइम नंबर के केवल 2 फैक्टर होते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या जा रहा है कि प्राइम नंबर 2 नॉट हैव एनी फैक्टर, प्राइम नंबर के कोई फैक्टर नहीं होते हैं, ये भी रॉन्ग है। प्राइम नंबर के केवल 2 फैक्टर होते हैं। तो जब ये क्वेश्चन आता तब आप राइट में लगा दे प्राइम नंबर है बल्कि 2 फैक्टर, ये राइट है, लेकिन प्राइम नंबर है नो फैक्टर, ये रॉन्ग है। सम आर 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है सम आर 2 प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को जोड़ने पर किसी भी प्राइम नंबर को जोड़ने पर जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इन संख्याओं को प्लस करने पर सम करने पर ऑलवेज इवन, क्या संख्याएं सभी ऑलवेज इवन होती हैं? 3 और 5 जोड़ेंगे तो इवन मिलेगा, 11 7 जोड़ेंगे तो इवन मिलेगा, 11 13 जोड़ेंगे तो आपकी संख्या इवन जाएगी। लेकिन आपको किसी भी संख्या को ये 2 भी तो प्राइम है, 2 3 से जोड़ेंगे तो 5 आपका 8 मिल जाएगा। इस तरह से ये
राइट नहीं हो सकता है कि प्राइम नंबर सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, ये रॉन्ग है, ये फाल्स है, ऑलवेज इवन नहीं हो सकता। टू इज ओनली वन प्राइम इवन प्राइम नंबर, राइट है, टू इज ओनली वन प्राइम इवन प्राइम नंबर माने टू ऐसी संख्या है, अकेली संख्या है जो इवन है और प्राइम है, ये राइट है। आर इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर, क्या रहा है, आर इवन नंबर, इवन नंबर माने सम संख्याएं अब टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व, ये संख्याएं कैसी हैं, ये संख्या है इवन नंबर। इसमें क्या रहा है, आल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर, सभी इवन नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। तो कंपोजिट नंबर मीन होता है जो संख्या दूसरी संख्या से डिवाइड हो जाती है, तो स्वयं से तो सभी डिवाइड होती है, दूसरी संख्या से डिवाइड होती है, तो टू इसमें ऐसी संख्या है जो टू से ही डिवाइड है, ये प्राइम नंबर है, और तो सभी आपके कंपोजिट हैं, टू फोर टू से डिवाइड होगा, सिक्स टू से और थ्री से डिवाइड होगा, ये टू फोर से डिवाइड होगा, एट से डिवाइड होगा, टू फाइव से डिवाइड होगा, टेन, इस तरह से सभी डिवाइड होंगे। लेकिन ये टू नंबर केवल टू से ही डिवाइड होगा, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आर इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर, आर इवन नंबर कंपोजिट नंबर नहीं होते, ये भी फॉल्स है। फिर है द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर, दो इवन नंबर को मल्टीप्लाई करने पर सदैव इवन नंबर ही प्राप्त होता है, इसे टू को फोर से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, टू फोर जा एट, फोर को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 24, इसका मतलब क्या है कि टू इवन नंबर को मल्टीप्लाई करने पर सदैव हमें इवन नंबर ही प्राप्त होता है, ये भी ट्रू है। थैंक यू। ये पूरा क्वेश्चन वन और टू आप लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का।